मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. काफ़ी टाइम के बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म शुरू हो रही है. एंड जितेश जी बहुत ही पुराने प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने मेरे साथ मुन्नी भाई नौटंकी वाली बनाई थी और उसके बाद वापस से वो एक धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जितेश जी के लिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं. फिल्मों को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं. उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन बनेगी. तो जितने भी कलाकार थे सबके साथ काम किया ही होगा आपने, तो कैसा अनुभव था पहले का और अभी जो जितने भी एक्टर हैं इसमें, विनय जी हैं या सुदीप जी या पाखी गुंजन या प्रिंस. प्रिंस और सुदीप जी के साथ मेरी ये पहली फिल्म होगी. बाकी एक्टरों के साथ मैंने ऑलमोस्ट कई सारी फिल्में की हैं. एक्चुअली इस फिल्म में ये सबसे खास बात होगी कि हम सब फ्रेंड्स एक साथ शूट करेंगे और मैं बता भी नहीं सकती अपने शब्दों में कि कितना मज़ा आएगा इस सेट पे. मेरे लिए तो ये पिकनिक के जैसा होगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. अभी भी मुश्किल दौर चल रहा है फिल्म में का मुहूर्त होना या शूट होना इतना आसान नहीं है. क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आगे का भविष्य फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से एक अच्छे दौर से लेकर बुरे दौर से लेकर अच्छा दौर हर इंडस्ट्री में आता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये दौर ऑलमोस्ट अच्छा बुरा सब दौर आया है. लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ने कभी हार नहीं मानी है और हमेशा हम सब एक्टरों ने, सब टेक्नीशियंस ने, सारे मेकरों ने ये कोशिश की है कि अच्छी फिल्में लाएं. जैसे कि अभी बुरा दौर अगर सपोज़ गुजर रहा है तो हम और मेहनत करते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट सामने आए और हम अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह एंटरटेन कर पाएँ. तो आई थिंक ये दौर जो भी दौर है वो निकल जाएगा. फिल्मों के अलावा टीवी भी ट्राई किया, उसमें भी आपकी पहचान बनी. ओटीटी भी ट्राई किया, उसमें भी पहचान बनी. तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था या कितना इंटरेस्टिंग था, कैसे मतलब देखा इसको? देखिए मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आर्टिस्ट कहीं भी काम कर सकता है, वो बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो. और मैंने हर जगह काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. बट जैसे मैं ओटीटी पे काफ़ी काम कर रही हूँ इन दिनों, टीवी भी मैं कर रही हूँ. बट एक भोजपुरी फिल्मों से जुड़ाव मेरा बिल्कुल अलग है. तो यहाँ पर जब मैं काम करती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर, यहाँ घर का काम हो रहा है और जब बाहर जाती हूँ तो लगता है बाहर का काम हो रहा है. लास्टली ये जानना चाहूँगा कि ओटीटी की बात की तो ओटीटी और फिल्मों की बात करें तो बड़े पर्दे पे खुद को देखना कितना आपको लगता है कि एक लार्जर देन लाइफ फील आता है, बहुत बड़ा लगता है कि आपने काम किया जब आप पर्दे पे दिखते हैं? देखिए ओटीटी और पर्दे में फ़र्क ये होता है कि फिल्मों में लोग हमें टिकट खरीद के फिल्म देखने जाते हैं और ओटीटी पे घर पर बैठ के देखा जा सकता है. लेकिन बड़ी स्क्रीन का मुकाबला कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता है और इसी यही एक रीज़न है कि मैं अपनी फिल्मों से भी जुड़ी हूँ कंटिन्यू और आगे भी जुड़ी रहूँगी. रानी जी विनय आनंद जी को कितना चाहती हैं, ऐसा कुछ इमेज करिए डायरेक्ट आपके पास आ जाए. विनय जी का एक्चुअली ऐसा होता है कि बस मैं अगर विनय जी को थॉट करूँ तो वो मेरे पास आ ही जाते हैं. और विनय के साथ क्या बात है, सही में ये तो ओह गॉड देखा गाइस, देखा आप लोगों ने कि मैंने बस थॉट किया विनय के बारे में और विनय जी हाजिर हैं. लेकिन ऐसे तो शैतान हाजिर होता है. नहीं बट मैं एक बात है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. नहीं ऐसी बात नहीं है. विनय और मैं करीबन 15-16 साल पुराने फ्रेंड हैं. हमने कई फिल्में साथ में की हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वाली बात यही है कि इस फिल्म में विनय जी मेरे अपोजिट हैं. सो बहुत मज़ा आने वाला है. कुछ देर पहले विनय जी ने बोला कि इस फिल्म में जरूर रानी को प्रपोज करूँगा. देखिए इनकी आँखों में जादू है तो वो जादू जो है इनकी आंखों में जो भी देखता है वो सुपरस्टार बनता है. अरे मनोज तिवारी जी ने देखा वो सुपरस्टार बन गए. रवि किशन जी ने देखा. एक प्रॉब्लम है कि रानी की जो प्रपोज जो करता है सिर्फ 3 महीने के तक चलता है. नहीं नहीं ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है. अभी मैं सच बता, मैंने बहुत बार प्रपोज किया, देखो आज तक चल रहा है. ऐसी बात नहीं. एक्चुअली ये वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अक्सर मेरे अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती हैं. बट विनय बताएंगे मेरे बारे में कि मैं सही में किसी को डेट नहीं कर रही. ऐसा तो नहीं है कहीं पहले आप दोनों प्रपोज हो चुका फिर ब्रेकअप हो चुका? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं. हम लोग की तो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही है. प्रेम ऐसा है जो कभी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता. राइट. भाई बहन नहीं है, हीरो हीरोइन है, समझे ना. ज़्यादा विनय मेरे वन मोस्ट ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ एक्टर वाला तो है. हम जब सेट पे होते हैं तो परफॉर्मेंस जब कर रहे होते हैं तो एक्टर एक्ट्रेसेस का ताल्लुक होता है. बट
ऑफ स्क्रीन विनय मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मीन्स इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं इनके गाल पे किस भी कर लेती हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं कहते। दोस्त को ही बॉयफ्रेंड बोला जाता है तुम्हारी लैंग्वेज में। अब बताइए गाल में किस करेगी तो कैसे मना करूँगा, ऐसे थोड़ी कितनी अच्छी चीज़ों के लिए मना नहीं करता। इस बार दोनों फिर से लॉकडाउन में साथ में करने जा रहा, तेरी आंखों में वो जादू है क्या कुछ मना जी कहना चाहेंगे? देखिए तेरी आंखों में वो जादू है इसलिए क्योंकि जादू तो इन्हीं लोगों पर आप मेरी आंखों को देख रहे हैं कैसे पता चलेगा, आपने चश्मा लगा रखा है। हमने वो इसको ऊपर किया तो ऐसे घाव हो जाएगा दिल में। एक्चुअली ये अब तक कंफर्म नहीं है कि आंखों में जादू किसकी आंखों की बात हो रही है, हो सकता है कि एक्टरों की आंखों की बात हो रही हो, जरूरी नहीं है कि हीरोइनों की आंखों की बात हो रही हो। देखिए आंखों में जादू तो हीरोइनों का ही होता है, ऐसा नहीं है, लड़कों की भी आंखों में जादू होता है। नहीं नहीं आप देखो आपने इतनी शूटिंग की है बिहार में, कैसे ऐसा जादू होता है हमारी भोजपुरी हीरोइनों में कि सारे दर्शक ऐसे दिखते हैं शूटिंग में, तो ऐसा जादू होता है। सोच लो कि हमारी केमिस्ट्री इस वक्त कैसी दिख रही है, लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन आएंगे तो आप सोच नहीं सकते कि जब हम शूटिंग शुरू करेंगे तो सोशल मीडिया पर कितनी आग लगने वाली है। नहीं बिल्कुल लगनी भी चाहिए, और हम लोगों की खास करके जितनी फिल्में हैं सब हिट रही हैं, और ये दामिनी जो कि बहुत बड़ी हिट रही, जिसमें मैं हीरोइन था ये हीरो थी, और वो बहुत बड़ी सुपरहिट पिक्चर रही है। दामिनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, फिर मोरा बलमा छैल छबीला हम लोग, एंड सावरी आई लव यू, कंगना खन के पिया के अंगना, तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा चली, और रानी चैटर्जी के सभी लोग दीवाने हैं, और मैं सच कहता हूँ कि इनके इतने ज़्यादा प्रशंसक हैं कि और इतने लोग इन्हें चाहते हैं, तो मैंने तो सबसे पहले बोल दिया हीरोइन है तो रानी से तक मैं ही रहूँगा। भाई हम तो सुपरस्टार हीरोइन के साथ ही काम करते हैं। थैंक यू। रानी चैटर्जी हालांकि सभी यहाँ पे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन रानी हमारे भोजपुरी हीरोइन की वाकई में क्वीन है, और ससुरा बड़ा पैसे वाला से इतनी बड़ी मतलब जो पॉपुलैरिटी भोजपुरी इंडस्ट्री को वापस मिली जो खो गई थी, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं रानी चैटर्जी का हाथ है। रानी जी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं जितेश दुबे जी, उनकी पहली कई फिल्में आ चुकी है, लेकिन मुन्नी भाई नौटंकी वाला स्पेशल कुछ था आपके लिए, बिजवा फिल्म थी जी, अच्छी फिल्म थी दोनों की, क्या कुछ यादें हैं इस सिनेमा? मुन्नी भाई नौटंकी वाली तो रानी जी की थी और बहुत बड़ी सुपरहिट थी, तो मुझे लगता है कि जितेश दुबे जी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी हिट होगी, लेकिन रानी की जितनी भी फिल्में होती हैं वो खास करके ये एक सोलो ये विजय शांति हमारे भोजपुरी की, जिसकी ये रानी चैटर्जी कैन पुल द क्राउड सोलो, शी डजंट नीड अ हीरो, तो अब ये जब हीरो के साथ काम करती तो डेफिनेटली डबल कमाई होगी क्योंकि ये खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है। मुन्नी भाई नौटंकी वाली एक म्यूजिकल फिल्म थी, एक डांसिंग नंबर डांसिंग के ऊपर फिल्म थी, और जितेश जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको प्रोड्यूस किया था, प्लस अक्सर प्रोड्यूसर्स प्रमोशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, पर जितेश दुबे जी ऐसे प्रोड्यूसर रहे हैं हमेशा से जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन में वाकई में बहुत हमेशा बहुत खर्चा किया है। किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिल्म अभी हमारी शुरू भी नहीं हुई है, तेरी आंखों में वो जादू है, और आज एक मुहूर्त हुआ है, क्योंकि आजकल हमारी भोजपुरी फिल्मों के मुहूर्त बहुत ही कम होते हैं, सीधा फिल्म शुरू हो जाती है, बट जितेश जी ने एक एक बूम के लिए एक मुहूर्त किया ताकि इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिले और हम सब एक्टरों को भी एक बूस्टअप मिले, और सबसे अच्छी बात कि जितेश जी ने उन सारे कलाकारों को इस फिल्म में कास्ट किया है जिनको लोग वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं डर गया था, जिन्हें लोग भूल चुके हैं ऐसा तो नहीं बोलना, क्योंकि डेढ़ साल में देखो भूल सकता है आदमी, तो डेढ़ साल आदमी कोरोना में घर में बैठ सकता है ना, तो सभी को लोग भूल भी सकते हैं, बट नहीं मैंने भूलने नहीं दिया है लोगों को। उसके लिए रानी का गाना है उस पिक्चर का, मजा मारा राजा अढ़ाई घंटा, क्या बड़ा बड़ा प्यारा गाना था, नदियाँ के तीर व फरेला भंटा, मजा मारा है राजा अढ़ाई घंटा। अढ़ाई घंटा तो बड़ी बात। अजय कुमार जी हैं कुछ गाना गाएंगे? अजय जी के लिए मैं कह चुका हूँ फैंटास्टिक डायरेक्टर। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, अजय जी मुन्नी भाई नौटंकी वाले में एसोसिएट थे, और मेरे सामने ऐसे कई एसोसिएट रहे हैं जो डायरेक्टर बने हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि असिस्टेंट के बाद असिस्ट करने के बाद वो डायरेक्टर बन जाते हैं। अजय जी ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की, और मुन्नी भाई के बाद अभी मैं उनके साथ
शूट करूँगी, बट वो अभी डायरेक्टर होंगे, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और अजय जी बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, और अभी हाल ही में एक फिल्म में उनके साथ मैंने गाना किया था उनकी फिल्म के लिए, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। फिल्म में पाखी अगड़िया और गुंजन पंत भी है, बहुत मज़ा आने वाला है। कमाल की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बात अभी नहीं करूँगी चूँकि पाखी गुंजन हम तीनों ने बहुत बार काम किया है साथ में। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये फिल्म की शूटिंग कम पिकनिक ज़्यादा लगने वाली है। बिल्कुल 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 सभी, और नो डाउट एक्टर जो सोचिए कि पाखी गुंजन और रानी जहाँ है वहाँ विनय आनंद होंगे बीच में, और सुदीप होंगे, विनय बिल्कुल भी डिफरेंट, सुदीप बिल्कुल डिफरेंट, बिरयानी पकेगी। नहीं, ये पिक्चर इट्स नॉट खिचड़ी स्क्रिप्ट हम लोगों ने सुनी है दोनों ने, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, और भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सालों से एक ऐसी फिर से एक मूवी की ज़रूरत थी, एक मल्टी स्टारर, तो एक बहुत बड़ी फिल्म है ये, मल्टी स्टारर फिल्म है, और ये लोग ज़रूर देखें, मैं यही आशा करता हूँ। रानी कभी लॉकडाउन में याद आई आपको? रानी को तो मैं मेरी ही याद आई एक्चुअली, हाँ याद करता रहता हूँ। मज़े की बात बता दी लॉकडाउन की, विनय आनंद जी घर में रेडी होते थे मैं आज विनय जी की एक बहुत ही प्राइवेट बात को मैं मतलब साझा कर रही हूँ ऑडियंस के साथ। विनय आनंद जी रेडी होकर गाड़ी में बैठते थे, गाड़ी चालू करते थे पार्किंग में, और एसी लगा के म्यूजिक सुनते थे और सोचते थे कि मैं घूम रहा हूँ मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो रानी, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बीमार ना हो जाएं घर में बैठे बैठे ऐसा हो गया था कि रोज़ तैयार होकर जाने की आदत थी परफ्यूम वर्फ्यूम मार के। अब मैंने क्या किया, मैं तैयार होकर परफ्यूम मार के रोज़ जाके गाड़ी में बैठ जाता था। मैंने कॉल किया विनय जी को कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार, ये तो मैं भी ट्राई करूँगी इसे, और मैंने ट्राई भी किया था। हाँ, लेकिन गाड़ी चलाता नहीं था क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। एनीवेज, रानी चैटर्जी, पाखी हेगड़े और गुंजन पंत की आँखों का जो जादू है, जिससे हम लोग कायल हैं, आप लोग ये जादू देखने जरूर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।